रमजान, आज हम बनाने वाले हैं मुंबई फेमस प्याज की पकौड़ियाँ, कांदा भजिया भी इसको बोलते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी होती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बहुत ही कम मसालों में ये बन जाती हैं। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर प्याज के अंदर प्याज को हमने बारीक काट लिया है, धो लिया अच्छी तरह से और सुखा लिया है। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद में हम इसको मिलाकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, जब प्याज अपना पानी छोड़ देगी फिर इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी हमें मिलाना नहीं है। हमें ये सूखी सूखी भजिया बनानी है, सूखे सूखे पकौड़े बनाने हैं, प्याज के बड़े ही टेस्टी बनते हैं। 5 मिनट के लिए हमने प्याज में नमक डाल के रख दिया था और प्याज में जो भी इसका पानी छोड़ना था वो पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन इसमें ज्यादा ही डाला जाता है, बस इतना बेसन डालेंगे हम जो हमारी भजिया पकौड़ियाँ जो है आराम से बन जाए। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच पीली मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर इसमें ये नहीं भी डालेंगे आप तो भी चलेगा, जो बाहर मिलती है उसमें ये हरी मिर्ची हरा धनिया ही डालते हैं, लेकिन मैं डाल रही थोड़ा अच्छा लगता है। और आधा हम नींबू छोड़ देंगे इसके अंदर, ये देखिए आधा हमने नींबू छोड़ दिया। नमक हमने इसमें डाल दिया था, अगर जरूरत लगेगी तो हम टेस्ट करके इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको बिल्कुल रखना नहीं है, ये अच्छे से मिला लेंगे हम, उसके बाद में हम इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज और सब मसाले हमने हाथ से मिलाए हैं, क्योंकि हाथ से जो हम मिला लेते हैं वो चम्मच से बात नहीं आती है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बन गया है हमारा, प्याज का पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है ये। ये इतना ही बेसन हमें इसमें डालना था, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गर्म कर लिया है और ऑयल को हमें मीडियम ही रखना है, बहुत तेज फास्ट नहीं करना है इसको, क्योंकि प्याज जल्दी से जल जाएगी अगर हम तेज करेंगे और बीच में से कच्ची रह जाएगी। तो हम इस तरह से सारी पकौड़े प्याज की हम डाल देंगे, ये भजिए, और ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनती है। और इनको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए प्याज की पकौड़ियाँ जो है हमारी गोल्डन होने लगी हैं, हमने इसको मीडियम में ही सेका है, अगर फास्ट करेंगे मैं आपको फिर बता रही तो जल जाएंगी ये। अब हम सबको पलट देंगे, देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ गया है, सभी हमारी फ्राई हो गई है। एक मिनट के लिए हम इधर से करेंगे बस, और सब निकाल लेंगे। ये देखिए पकौड़े हमारे पूरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। अब हम इनको सबको निकाल लेंगे अच्छी तरह से, इसका ऑयल इस तरह से झाड़ के, और सब निकाल लेंगे हम। और बाकी जो हमारी प्याज की पकौड़ियाँ हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए ये वाली पकौड़ियाँ भी हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मिर्ची हमने बीच में से खोल ली है और अब इनको हम इसमें इसके साथ ही तलने के लिए डाल देंगे। ये देखिए हमने इसलिए खोली है कि चटके ना। अब हम सबको निकाल लेंगे। ये प्याज की पकौड़ियों के साथ हरी मिर्ची बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर नमक लगाया है और अब हम चाट मसाला ऐसे छिड़क देंगे। ये हमारी बनकर तैयार हो गई है प्याज की पकौड़ियाँ, बहुत ही मजेदार बनी है, आप इनको जरूर बनाइए। ये बहुत ही क्रिस्पी होती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी होती है। और अगर आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।